माधव मुक्ति बोध की, और कविता का शीर्षक है खोल आँखें। मैंने कल आपको बताया था कि गजानन माधव मुक्ति बोध की जो कविताएं हैं वो प्रतीकात्मक हैं। प्रतीक, बिंब, उपमा, रूपक, ये सब अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। इनके माध्यम से कवि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने बड़े नए नए उपमान, बड़े बड़े नए नए प्रतीक और नए नए बिंब हमारे सामने रखे हैं। उनकी कविता में प्रतीकात्मकता ही होती है। जैसे जब हमने पढ़ा दूर तारा, तो दूर तारा किसका प्रतीक है? हमारी आत्मा का, हमारी चेतना का। हमने उनकी कविता पढ़ी जन जन का चेहरा एक, क्या प्रतीक है? इस बात का प्रतीक है समाज में सब व्यक्ति समान हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उनकी कविताओं में हमको सजीव बिंब मिलते हैं और प्रतीक मिलते हैं। ऐसे जो ये कविताएं खोल आँखें, मैं इस कविता को पूरा ना पढ़ूँ ना, केवल इसका शीर्षक देखूँ तो मुझे इस पूरी कविता का अंदर का भेद मालूम पड़ जाता है। खोल आँखें, अपनी आँखें खोलिए, अर्थात जागरूक होइए। आपके चारों तरफ क्या हो रहा है उसके प्रति सचेत होइए, और जो हो रहा है उसको बहुत बारीकी से देखिए, निकटता से देखिए, और देखिए कि फ्यूचर में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और उस सबके साथ अपने आप को जोड़ दीजिए। यदि आप समय के साथ नहीं बदले तो क्या समय रुक जाएगा? वक्त तो आगे बढ़ जाएगा, आप ही पीछे रह जाएंगे। तो आपको अपनी आंखें खोल के रखनी है। आंखें खोल के रखने का मतलब क्या है? हमको सचेत रहना है, और सचेत रहकर समय के साथ कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ना है। समय क्या कह रहा है आज का, क्या मांग है समय की? जैसे आपने कहा मुझे कंप्यूटर का डिप्लोमा करना है, समय की मांग है। आजकल आईटी का युग है, कंप्यूटर की डिमांड है, तो निश्चित रूप से आप कंप्यूटर का डिप्लोमा करेंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। आप लोगों ने कहा हम बीएड करेंगे, समय की मांग है। एजुकेशन में तो हमेशा बढ़ती ही रहेगी, एजुकेशन तो कम हो ही नहीं सकती। स्कूल बढ़ेंगे, टीचर बढ़ेंगे, बीएड की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमको आंखें खोल के रखनी है, सचेत रहना है, हमेशा जागरूक रहना है, देखना है वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य क्या होने वाला है। तो हमको अपने आप को उसके हिसाब से ढालना है, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। ये शीर्षक तो हमसे ये कह रहा है कि आंखें खोल, अर्थात जागरूक हो जाइए। अब बताइए आज से आप अपनी आंखें खोल के रखेंगे नहीं रखेंगे? एकदम आंखें खोल के रखेंगे। प्रतीक है ये, एक मुहावरा भी है, अरे आंखें खोल के चलो, आंखें खोल के देखो, अर्थात सचेत रहो, सावधान रहो, चौकन्ने रहो, हमेशा जागरूक रहो। क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के प्रति आप जागरूक रहिए, उन अधिकारों के प्रति आप जागरूक रहिए, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य स्वर्णिम बनेगा। कविता का शीर्षक तो ये कह रहा है, ये हमको अपनी खुद, मतलब गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता के शीर्षक अपने आप में बोलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमसे बात कर रहा है, कह रहा है हाँ आंखें खोलिए, जागरूक रहिए। अब देखते हैं कविता क्या कह रही है। तो पहले कविता को पढ़ते हैं थोड़ा सा कि कविता क्या कह रही है। कविता कह रही है, जिस देश प्राणों की जलन में एक नूतन स्वप्न का संचार हो, अपने देश की बात हो रही है। और ये जो कविता लिखी गई है ना, ये कविता लिखी गई है उस काल में जब हम भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, संग्राम कर रहे थे। हमारा भारत आज़ाद हो रहा था, होने वाला था, डिसाइड हो गया था कि हम आज़ाद हो रहे हैं, ठीक है। तो जिस देश, उस संदर्भ से भी जोड़ के देखना इस कविता को कि भारत आज़ाद हो रहा है तो हमारे मन में क्या सपने थे, क्या हम संघर्ष कर रहे थे और क्या फ्यूचर के लिए सोच रहे थे, ठीक है। अपने आप को थोड़ा 1947 में ले जाके देखो कि 1947 चल रहा है और बस हम आज़ाद होने वाले हैं, तो उस समय क्या सपने रहे होंगे लोगों के, है ना। कि जिस देश प्राणों की जलन में एक नूतन स्वप्न का संचार हो, ओ हृदय मेरे, जो कवि है वो अपने हृदय को समझा रहा है, अपने आप को संबोधित कर रहा है। आत्म संबोधन शैली, कौन सी शैली आई है? आत्म, खुद को संबोधित कर रहा है। और सही बात तो ये बताए बेटा, दूसरा कोई सीख देता है ना तो हम उससे सीखते नहीं हैं, हम तो सीखते उसी सीख से हैं जो हम अपने आप को देते हैं। तो कभी अपने आप को संबोधित करते कह रहा है, ओ हृदय मेरे, उस जलन की भूमि में बिछ जा स्वयं ही, तू उस जलन की भूमि में खुद ही बिछ जा, तू भी उस जागरण में, नव चेतन में, जो चेतना आ रही है, जो हमारा भारत अब आज़ाद होने वाला है, भारत में जो जागरूकता आ गई है, उस जागरूकता में तू भी अपना स्वर मिला दे, तू भी उसमें मिल जा, मतलब तू उससे अलग मत रह, क्योंकि अब नया युग आने वाला है। ओ तड़प कर उस निराले देश में तू खोल आँखें, उस निराले देश में, भारत को निराला देश कहा है क्योंकि भारत वास्तव में एक निराला देश है,
भारत की जैसी संस्कृति कहीं है नहीं। भारत को विश्वगुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो तो एक दुर्भाग्य था कि कुछ ऐसी गलतियां हुई हमारे पूर्वजों से कि हमको काफ़ी लंबी गुलामी झेलनी पड़ी। तो भारत एक निराला देश है। और एक ख़ास बात जो हमने भारत की संस्कृति में देखी है और जो मैंने पिछले दिनों महसूस की है, मैं अभी बनारस और सारनाथ जाकर आई थी छुट्टियों में, मैंने एक चीज़ महसूस की, मैंने ये की कि दुनिया के कितने देश हैं जहाँ पर इतनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति अब तक चली आ रही है। कई देशों को मैंने देखा, सुना है, देखा है मैंने, जो उनकी प्राचीन संस्कृति थी वो खत्म हो गई। मेसोपोटामिया की सभ्यता हमने पढ़ी, लेकिन आज वहाँ जाइए, आज वहाँ वो सभ्यता नहीं है। मिस्र की सभ्यता संस्कृति हमने पढ़ी, आप मिस्र में जाइए, आज वो प्राचीन सभ्यता संस्कृति वहाँ पर नहीं है। मैंने अमेरिका की माया सभ्यता पढ़ी, आप अमेरिका जाइए, वहाँ वो पुरानी सभ्यता खत्म हो गई, अब नहीं है वहाँ पर। लेकिन आप भारत में आइए, जो हमारी सबसे प्राचीनतम सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, मुझे तो वो आज भी जीवंत दिखाई देती है। आप में से कितने बच्चे हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको मालूम है सिंधु घाटी सभ्यता में शिव की पूजा होती थी, हम आज भी शिव की पूजा करते हैं। योगी की पूजा होती थी, हम आज भी योग को कितना महत्व देते हैं। वहाँ पर पेड़ों की और पशुओं की पूजा होती थी, मूर्तियाँ मिली हैं, हम आज भी करते हैं। वो लोग जल को बड़ा पवित्र मानते थे, बड़े बड़े स्नानागार वहाँ मिले हैं, आज भी हम जल की पूजा करते हैं। वो सूर्य की पूजा करते थे, हम आज भी सूर्य को देवता की तरह पूजते हैं, पूजते नहीं पूजते। तो भारत तो एक निराला देश है, यहाँ की संस्कृति, इतने आक्रमण हुए हमारे ऊपर, हिस्ट्री पढ़ी है आपने, आप जान सकती हैं, शक, हूण, कुषाण, कौन कौन नहीं आए हमारे यहाँ, चंगेज खान, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, कैसे कैसे आक्रमण हमारे ऊपर नहीं हुए। क्या हमारी संस्कृति मर गई? मरी हमारी संस्कृति? आज भी जिंदा है हमारी संस्कृति, खत्म नहीं हुई है। जबकि और देशों में जाके देखो वो संस्कृति खत्म हो गई। तो देश तो हमारा निराला है। तो गजानन माधव मुक्ति बोध यही कह रहे हैं, ओ तड़प कर उस निराले देश में तू खोल आंखें, ये देश में बहुत निराला है, इसमें तू अपनी आंखें अब खोल ले, अर्थात फ्यूचर को देख। जो नई चिंगारियां न स्वप्न का आलोक ले, और अब हमारे देश में नई नई चिंगारियां फूट रही हैं, स्वतंत्रता की नई नई लहर आ रही है, नए नए तरीके से हम अपनी आज़ादी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं, नव स्वप्न का आलोक ले। और जो नए नए स्वप्न हैं हमारे कि भारत आज़ाद होगा और हम एक खुली हवा में सांस लेंगे, इस स्वप्न से तो आलोक ले, अर्थात प्रेरणा ले, तेरे को भी उस स्वतंत्रता में, इस नए सपने में अपना योगदान देना है। उत्पन्न होती जा रही है उस सबलतम तीव्र कोमल देश की चिंगारियों में जो खिले हैं स्वप्न रखते हैं, देख ले जी भर उन्हें तू, तू उनको जी भर के देख ले, जो नए नए सपने हमारे भारत में, क्योंकि भारत अभी तक गुलाम था, लेकिन अब भारत ने एक नया सपना देखा है, आज़ाद होने का सपना, और आज़ाद होकर अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना, अपने आर्थिक, अपनी सामाजिक उन्नति का सपना, गरीबी को मिटाने का सपना, अशिक्षा को मिटाने का सपना, शोषण को खत्म करने का जो सपना हमने देखा है, वो सपने में तू अपना स्वर से स्वर मिला दे, उस सपने में तुझे भी अपना योगदान देना है। जो लोग कहने का मतलब यह है कि गजानन माधव मुक्ति बोध अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं, आत्म प्रेरित कर रहे हैं कि जो भारत में अभी हो रहा है नवजागरण के लिए, जो भारत में चैतन्यता आ रही है, जो भारत में आज़ादी का संघर्ष चल रहा है, उसमें तुम भी शामिल हो जाओ, उससे तुम अलग मत हो, क्योंकि भारत एक नया सपना देख रहा है और यह सपना उसके देशवासी तो देख रहे हैं। तो सब देशवासी यदि मिलकर उस सपने को देखेंगे तो वह सपना ज़्यादा उज्ज्वल होगा, ज़्यादा सफल होगा। आगे क्या कह रहा है कवि, उस असीम विकल रस को पी स्वयं भी, और जब वो सपना सफल होगा तो उसे आनंद की प्राप्ति होगी। और एक बात और बता दूं मैं, एक छोटी सी कहावत है कि मंजिल में वो मजा नहीं है जो रास्तों में है, समझे आप मेरी बात को, मंजिल में वो मजा नहीं जो रास्तों में। अपन को कोई चीज मिल जाती है, हम कितने दिन खुशी मनाते हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, छह महीने, बस फिर क्या लगता है, जी भर जाता है ना उससे। लेकिन जब वो बस संघर्ष कर रहे होते हैं उसी चीज़ को पाने के लिए, तो सालों साल उसको एंजॉय करते हैं। जरा जरा सी चीज़ पे हमको खुशी मिलती है, जरा जरा सी चीज़ पे कभी हम निराश हो जाते हैं, फिर हमको कोई उत्साह मिलता है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। काम करने में जो मजा है वो मंजिल में थोड़ी है। तो वो कभी ये कह रहा है कि उस असीम विकल रस को पी स्वयं भी, जो संघर्ष हो रहा है, जो सपने देखे जा रहे हैं, इसका आनंद तू भी ले, तू इससे अलग मत हो। क्योंकि जब हमारे भारत की आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तो कुछ लोग थे जो इस आज़ादी के संघर्ष में हमारा साथ नहीं दे रहे थे ना, कुछ लोग, हम में से ही कुछ लोग थे
जो उनका विरोध और कर रहे थे। तो कवि उन्हीं लोगों को इंगित करते हुए कह रहा है कि आज़ादी का जो हम सपना देख रहे हैं, इस सपने में सब जने शामिल हो जाओ, तू भी शामिल हो जा। वह महाव्याकुल अनावरत ज्ञान लिप्सा रख रही निज में अनावरत एक सपना। और भारत की एक खास बात और है, हमारे भारत के लोगों में हमेशा ज्ञान लिप्सा रही है। ज्ञान लिप्सा का मतलब होता है प्यास, ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने की प्यास रही है। हम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें, मूर्ख ना रहे। आज भी आप देखिए हमारे भारत में हम खुद क्या कर रहे हैं, अपने मिसाइल बना रहे हैं, अपने हथियार बना रहे हैं, अपने शस्त्र बना रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। हमारे यहाँ के जो नवयुवक हैं वो खुद नई नई खोज कर रहे हैं। हो सकता है उनको यहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है, बाहर जाके पढ़ रहे हैं। आप देखिए लंदन में जाइए, लंदन में 80% व्यक्ति भारत का ही मिलेगा जो डॉक्टर होगा। अमेरिका में चले जाइए, कैलिफोर्निया में चले जाइए, सिलिकॉन वैली में चले जाइए, 60% से ज़्यादा भारत के ही इंजीनियर मिलेंगे। यानी यहाँ के व्यक्तियों में ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है। तो वह महा और हमारे जो लोग हैं वो उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तो वह महाव्याकुल अनावरत ज्ञान लिप्सा रख रही निज में अनावरत एक सपना, सहस्त्र स्वर्गीय सपनों से बेहतर स्वप्न का यह व्योम नीला। हमने सहस्त्र ऐसे सपने देखे जो स्वर्गीय हो गए, अर्थात भूतकाल में भी हमने बहुत स्वर्गीय सपने देखे हैं। और आज हम फिर एक नया सपना देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि हमारा आसमान नीला हो जाए। नीला होने का मतलब हम आज़ाद हो जाएं, इस आज़ाद आसमान में हम श्वास ले सकें। प्राण पृथ्वी पर झुका है उस महाव्याकुल अनावरत ज्ञान लिप्सा के क्षितिज पर, जो खिंचा है स्वप्न, मतलब हम जो ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, और उस ज्ञान प्राप्त करने से जो हमारे मन में एक जैसे तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारे मन का एक सपना है कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ूं, तुम्हारे मन का एक सपना है कि मैं एक अच्छी टीचर बनूं, तो ये क्या है, ज्ञान प्राप्त इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारा कोई सपना है, उस सपने को तुम्हें पूरा करना है। जो खिंचा है स्वप्न श्रावण सांझ के वितरित घनों पर, अमित नीला जामनी अति लाल सुंदर, दिवस की बरसात को सूर्यास्त का चुंबन, कि ऐसा अद्वितीय मधुरतम आश्चर्य में। कितना सुंदर वर्णन किया है कवि ने, मुक्तिबोध ने। क्या कह रहे हैं कि जैसे सावन का महीना होता है, और सावन के महीने की जब शाम होती है तो सावन के महीने में क्या होता है, बादल घिरे रहते हैं हमेशा, और शाम तो वैसे ही थोड़ी सुरमई होती है, और सावन के महीने में शाम के वक्त में क्या होता है, बादल घिराए हों, चारों तरफ क्या होगा ना, बादल गिराए हो। श्रावण साज के वितरित घनों पर अमित नीला जामनी अति लाल सुंदर, और उस समय सूरज जो अस्ताचल की जा रहा हो, तो एक तरफ तो आपके सावन की शाम है तो चारों तरफ सुरमई सुरमई बादल है ना, ग्रे कलर के चारों तरफ बादल हो रहे हैं, और उस पर सूर्यास्त होती हुई, सूर्यास्त के समय किरणें क्या होती है, कैसी होती है सूर्य की, कुछ लाल कुछ नारंगी कुछ पीली ऐसी होती है ना, वो सूरज की किरणें उस पर क्या कर रही हैं, प्रकाश डाल रही है। कभी कल्पना कर रहा है, कभी ये कल्पना कर रहा है कि सावन के महीने की शाम है, बादल घिरे हुए हैं चारों तरफ, और शाम हो गई, उन बादलों पर अस्त होते हुए सूर्य की किरणें अपना रंग का जादू बिखेर रही हैं। भांति भांति के जो रंग हैं, नीले जामुनी कलर के, लाल रंग के सुंदर रंग दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से हमारी भारत की जो आज़ादी है उस पर भी बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी मुश्किलों रूपी बादल गिरे हुए हैं, लेकिन एक आशा रूपी सूरज उदित है, और उस जो हमारे बादल हैं बाधा और मुश्किलों के, जो हमारी आज़ादी के बीच में बाधा बने हुए हैं, वो जो नया हमारा स्वप्न है वो उसको क्या कर रहा है, रंग बिरंगा यानी कि आलोकित कर रहा है कि ये बादल छट जाएंगे। दिवस की बरसात को सूर्यास्त का चुंबन, जैसे पूरे दिन बरसात हुई हो और बरसात होने के बाद वो सूरज की किरणें ऐसे लग रही हैं जैसे बरसात को चूम रही हैं, इसी तरीके से हमारे आने वाला जो समय है, हमारे आज़ादी का जो आने वाला समय है, वो इस बरसात को चूम रहा है कि अब ये बरसात ख़त्म होने वाली है, अब ये गुलामी ख़त्म होने वाली है, अब ये बाधाएं और मुश्किलें समाप्त होने वाली हैं, और आज़ादी का नया सूरज उगेगा। और जो पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति, जो ब्रिटिश राज्य का जो सूरज है, वो अब सूर्यास्त उसका हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा, कि ऐसा अद्वितीय मधुरतम आश्चर्य में। और वो जो समय होगा वो कितना मधुर होगा,
कितना आश्चर्य, कितना कौतूहल देने वाला होगा। वह ज्ञान लिप्सा क्षितिज सपना रे, वही तुझमें अनेक स्वप्न देगा। और वो जो आज़ादी का अभी स्वप्न एक है, लेकिन जब हम आज़ादी प्राप्त कर लेंगे तो एक स्वप्न नहीं, हमारे बहुत सारे स्वप्न साकार होंगे, होंगे ना। जब तक अभी तक जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तो हम सिर्फ एक ही बात कहते थे, आज़ाद हो जाए, बस आज़ाद हो जाए, बस आज़ाद हो जाए। अब आज़ाद होने के बाद फिर क्या लग रहा है, या शिक्षा भी हो जाए, या आर्थिक समृद्धि भी आ जाए, या चांद पर भी पहुंच जाए, अंतरिक्ष में भी चले जाए, अंटार्कटिका पर भी जाए, एवरेस्ट की चोटी को भी छूएं, टेक्नोलॉजी भी अपनी नई होनी चाहिए, महाशक्ति भी बन जाए, तो वो एक आज़ादी का जो एक स्वप्न है वो कितने सारे स्वप्नों को जन्म दे रहा है। तो वह ज्ञान लिप्सा क्षितिज सपना रे, वही तुझमें अनेक स्वप्न देगा। ओ अनेक सत्य के शिशु नव हृदय के गर्भ में द्रुत आ चलेंगे। और वो भारत के लोगों को संबोधित करते हुए हमारे कवि मुक्तिबोध कह रहे हैं कि जो भारत के लोग हैं वो सत्य के शिशु हैं, सत्य के पुजारी हैं, और हमारे सपने भी किसी को हानि पहुंचाने वाले नहीं हैं। जैसे अंग्रेजी साम्राज्य के सपने तो दूसरों को गुलाम करने वाले थे, हमने तो जब हम इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, हम अशोक के समय शक्तिशाली थे, गुप्त समय, गुप्त वंश के समय हम सर्वाधिक शक्तिशाली थे, हमने कभी किसी दूसरे देश पे आक्रमण करके उनको गुलाम नहीं बनाया, उनका शोषण नहीं किया, उन पर अत्याचार नहीं किया। तो हमारे सपने तो हमेशा पावन और पुनीत रहे हैं, हमारे सपनों में कभी भी स्वार्थ और लिप्सा नहीं रही है। तो रे वही तुझमें अनेक स्वप्न देगा, ओ अनेक सत्य के शिशु, मतलब जो मनुष्य है वो क्या है, सत्य का शिशु है, अनेक तरीके के सत्य उसके अंदर पनपते हैं, नव हृदय के गर्भ में। और अब तुम्हारा हृदय क्या हो रहा है, नव हो रहा है, नव चेतन, चेतनता तुम्हारे अंदर भरी जा रही है, नव जागरण हो रहा है, पुरानी जो समय है, पुराना जो युग है वो खत्म हो रहा है, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, भेदभाव जो समाज में वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और आज़ादी का एक नया जागरण, नया युग हमारे सामने आ रहा है। गर्भ में द्रुत आ चलेंगे, तेजी से वो सारे सपने अब तुम्हारे गर्भ में आ जाएंगे, अर्थात तुम्हें वो सपने, तेजी से तुम्हारे वो सपने साकार होने लगेंगे। आत्मा मेरी, अब वो अपनी आत्मा को संबोधित करते कह रहे हैं कि आत्मा मेरी उस ज्वलन की भूमि में तू स्वयं बिचले, कोई और आकर तुझसे कहे नहीं, तू खुद महसूस कर कि इस आजादी के सपने में तुझे क्या देना है, तू स्वयं बिचले। बिचले का मतलब पूरी तरीके से समर्पित हो जा इस आजादी के इस नव युग में। अलग अलग अपने अपने तरीके से सब अपनी आहुति दे रहे हैं। देखो आजादी का मतलब ये नहीं है कि सब जो है भगत सिंह और चंद्रशेखर की तरह बंदूक लेके खड़े हो जाए, अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति योगदान दे रहा है। जो मजदूर है वो उत्पादन करके अपना योगदान दे रहा है, माता पिता है वो बच्चों का अच्छा पालन पोषण करके अपना योगदान दे रहे हैं, टीचर है वो बच्चों को एजुकेशन देके अपना योगदान दे रहे हैं, लेखक हैं वो अपने लेखों के, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं, वैज्ञानिक हैं वो अपनी नई नई खोजों के माध्यम से अपना योगदान दे रहे हैं। तो कवि ये कह रहा है मेरी आत्मा उस ज्वलन की भूमि में, ये जो भूमि है ना वो ज्वलन की भूमि है, ज्वलन का मतलब ये जाग चुकी है, ये भूमि अब सो नहीं रही है, इस भूमि में ज्वलन है, आगे बढ़ने की आग है, उत्साह है, जोश है, तू भी इसमें बिचले और स्वयं बिचले, कोई आकर तुझे जबरदस्ती ना लेके जाए, तेरे अंदर खुद ये आत्म प्रेरणा पैदा हो कि मैं भी अपने इस नव जागरण में अपना योगदान दूं। और पूरी तरीके से योगदान देना है, बिचले का मतलब क्या है, पूरी तरीके से समर्पित हो जाना है। देख जलते स्पंदनों में क्या उलझता हो गया है, तू देख, स्पंदन का मतलब कंपन, हमारा जो भारत है वो अब सो नहीं रहा है, स्पंदन होने लगा है। कभी हमारा भारत गुलामी में सो रहा था, दासता में सो रहा था, अब हमारा भारत जागने लगा है, उसमें स्पंदन होने लगा है, कंपन होने लगा है, अर्थात अब वो स्फूर्तिमय होने लगा है, उसमें गति आ गई है। और देख उसमें क्या क्या उलझता हुआ रह गया है, हमने बड़ी दासता और गुलामी के जीवन जिए हैं, हमने बहुत बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अशिक्षा, गरीबी, गुलामी, शोषण, अत्याचार की बेड़ियों में हम जकड़े हुए थे, लेकिन अब हमारे देश में क्या पैदा हो गया है, स्पंदन, नव जागरण पैदा हो गया है, और इस नव जागरण में तुझे अपना पूरा योगदान देना है। इसलिए तू क्या कर, आंखें खोल, क्या कर, तू आंखें खोल, आंखें खोल अर्थात तू जागरूक हो जा, तू अपने कर्तव्य के प्रति अवेयर हो जा, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हो जा, और देख तेरा कर्तव्य क्या है। इस समय तेरा कर्तव्य यह है कि भारत की जो नव स्वतंत्रता आने वाली है, जो नव युग आने वाला है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, जिससे हम अपनी मुश्किल से पाई हुई इस आज़ादी का रसा स्वादन कर सकें, आनंद ले सकें। और शायद कहीं हमने ये तैयारी नहीं की थी,
इसीलिए आज 75 साल के बाद भी हम अपनी आज़ादी का पूरा फायदा तो नहीं उठा पा रहे हैं। यदि हमने इस तरीके से अपने आप को तैयार कर लिया होता, यदि हमने उस समय आंखें खोल ली होती, मुक्ति बोध उस समय कह रहे हैं आंखें खोल, और यदि उस समय हमने आंखें खोल ली होती तो क्या 75 साल के बाद भी हमारे देश में कोई व्यक्ति भूख से मरता? क्या हमारे देश में अभी भी कोई व्यक्ति इसलिए मर जाता कि उसको समय पर चिकित्सा की सुविधा नहीं मिली? उसको उसका मन है पढ़ने का, पर उसको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मिला, उसके पास किताब नहीं, भरने के लिए फीस नहीं। यदि उसी समय आंखें खुल गई होती हमारी, तो आप बताइए आज हमारे देश की स्थिति क्या होती? तो चलो हो गई जो तो हो गई, अब तो आंखें खोल लें। मुक्ति बोध की ये कविता आज तो हमारी आंखें खोल दे। क्या कह रहा है आज का हमारा आज क्या कह रहा है? शिक्षित हो जाइए, संस्कारित हो जाइए, स्वार्थ और रूढ़ियों से दूर हो जाइए। अपना विकास करोगे तो समाज का स्वतः विकास हो जाएगा। पूरा विश्व तुमको बड़ी लालसा भरी नज़र से देख रहा है, क्योंकि इस समय भारत ने विश्व में अपना एक स्थान बना भी लिया है। हम दुनिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं खाने के लिए, दवाएं दे रहे हैं खाने के लिए, तो क्या भारत के लोग उससे महरूम रह जाएंगे? हम आज भी अपनी आंखें खोल लें, हम दोबारा से विश्व गुरु बन सकते हैं, हम दोबारा से सोने की चिड़िया बन सकते हैं। पर शर्त एक है, क्या? आंखें खोलनी है हमें। और मैं तो कह रही सबको अपनी अपनी आंखें खोल लो। कभी यही कहना चाह रहा है किसी दूसरे को शिक्षा मत दो, सब अपनी अपनी आंखें खोल लो। आपका विकास होगा तो आपके परिवार का विकास होगा, आपके परिवार का विकास हो गया समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा देश का विकास होगा, देश का विकास होगा पूरी मानवता का विकास होगा। तो आंखें खोल, हमें अपनी आंखें खोलनी है। हम खुद जागरूक हो जाएं तो निश्चित रूप से उस जागरूकता से समाज एक नई दिशा को प्राप्त करेगा। क्लियर बेटा, समझ में आई कविता? मज़ा आया या नहीं आया? हमको कविता का कोई ये नहीं है कि एक एक अक्षर पढ़ना है, कि एक एक अक्षर एक एक शब्द का अर्थ नहीं जानना है। हमें कविता का भाव पकड़ना है, और कविता का भाव पकड़ के कविता का आनंद तो जब आता है जब हम उसको आज से जोड़ दें और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। कल तुम्हारे दूर तारीख से मैंने तुम्हारी मुलाकात करवाई थी, मिला तुम्हें अपना तारा? घर जाके ढूंढा उस तारे को? नहीं मिला। बादलों में खोया हुआ है बेटा। दूर तारा तुम्हारा बीएड है। तुम्हारा दूर तारा क्या है? बीएड है। अभी वो दूर है, पर वो तारा है, तुम्हें प्राप्त करना है। अभी आसमान है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, अभी बीए करना है, फीस भरनी है, सब कुछ करना है, लेकिन वो तुम्हारा दूर तारा है। ऐसे ही आज अपनी दूर तारा को ढूंढना और दूर तारा को ढूंढ कर अपने आँखों को खोलने की कोशिश करना, तभी तो वो दूर तारा दिखेगा। जब आँखें नहीं खोलोगे तो वो दूर वाला तारा कहाँ से दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, तो आँखें खोलना। ओके, बाय बाय।